थोड़ा बताना चाहूँगा, मैंने शुरुआत प्राथमिक अध्यापक के रूप में की और बच्चों को पढ़ाने जब मैं जाता था तो मैं अपने वो जो दिन याद करता था जो प्रारंभिक कक्षाओं के मेरे दिन थे, मुझे क्या दिक्कतें आती थी, तो मेरा सारा उसको याद करके मैं उस क्लास टीचिंग को करता था। मेरा प्रारंभिक में स्तर पे मेरे को गणित में बड़ा भय लगता था, तो मैं उन तमाम दिक्कतों को याद करता था और कहता था उसके हिसाब से अपनी लेसन प्लान को रन करता था कक्षा में। लेकिन मैंने देखा कि इसके आधार पर भी मुझे कोई ऐसी सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर दिमाग में आया कि हो सकता है मेरी दिक्कतें रही होंगी, इनकी दिक्कतें कुछ इससे इतर रही होंगी। फिर वो जो व्यक्तिगत भिन्नता की बात आती है कि चाइल्ड टू वेरी करती है एजुकेशन, फिर उस पर काम करना शुरू किया, तो देखा कि तमाम प्रकार की दिक्कतें होंगी, मेरी दिक्कतें कुछ और किस्म की थी। मुझे उस टीचर्स से डर लगता था, इसलिए मैं सोचता था मैथ्स की घंटी ना, लेकिन कुछ लोग हैं प्रैक्टिस नहीं कर पाते, मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाते, घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, जैसे गणित ही है एक अभ्यास का विषय है, वो लगातार नहीं मिल पा रहे। तो फिर हर छात्र के हिसाब से थोड़ा थोड़ा किया, पाठ्यक्रम में भी थोड़ा छूट लाई, कक्षा तीन में कोई बच्चा आ गया है यदि वो भिन्न के सवाल नहीं सीख पा रहा है तो उसको जोड़ तक भी सीमित रखा, उसके लिए इंतजार किया, क्योंकि मेरा अपना भी मानना है कि जिस दिन बच्चा सीखने सिखाना सीख जाता है तो बहुत जल्दी कवर कर लेता है। मैं अपने खुद अपने अनुभव बताऊं कि मैं जब ट्वेल्थ में गया तो मुझे मैथमेटिक्स 6, 7, 8, 9 की एक साथ आने लग गई, क्योंकि जब मैं उसकी बुनियादीगत चीज़ों को समझ गया तो थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति भी करनी चाहिए, पेशेंस बनाए रखा, थोड़ा देखता गया। लेकिन उद्देश्यों पर मैंने बहुत व्यापक रूप से अपने अंदर परिवर्तन देखा। जब मैं कक्षा शुरुआती दौरों में आ गया तो जो संबोध हुआ करते थे, जो टेक्स्ट बुक होते थे, जैसे मेरे टीचर्स मुझे पढ़ाते थे, और क्योंकि जिनको कहते हैं मार्क्स गेनिंग, मैं तरह की मेरी पढ़ाई हो करती कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे आए, बच्चे किस तरह से करें, मैं उससे ज़्यादा आने लगा। प्रशिक्षणों में मेरी भागीदारी बहुत ज़्यादा रही, सतत व्यापक मूल्यांकन से आया, शुरू में अप्रासंगिक लगे कि इस तरह से नहीं हो सकता, फिर व्यापकता पे जाने लगे, फिर पता चला कि ये ज्ञान का आखिरी मकसद क्या है, लगा कि भाई ज्ञान माने होता है कि जिंदगी के बेहतर तौर तरीके सिखाना, तो फिर लगा ये तो बहुत बड़ी बात है, शिक्षा एक बहुत बड़ा काम कर रही है। फिर समझा कि अंतर्निहित क्षमताओं का विकास कैसे, क्यों हम कहते हैं कि बच्चा सब लेस है, सब एक जैसे हैं, सर्वांगीण विकास की फिर बात आई, तब लगा कि इससे कहीं रोल हमारे इन संबोधों से परे इससे रोल है, हमें बहुत एक अच्छे श्रेष्ठ नागरिक की भी स्थापना यहाँ पे बनाना है, उसके साथ उसको डील किया। तो अपने जो उद्देश्यों में मैंने बहुत व्यापक अंतर लाया, जैसे आज मैं अभी भी बात कर रहा हूँ तो जैसे हम ये पढ़ा रहे हैं, जैसे टीकाकरण की बात हम कर रहे हैं, तो टीकाकरण सिर्फ इसलिए नहीं कि टीकाकरण ये बताना कि एक जीवाणु को किस तरह से क्यूरी थेरेपी काम करती है और पूरा एक सिस्टम उसके साथ कैसे काम कर रहा है, उसके उन्मूलन में किस तरह से काम कर रहा है, आप भविष्य में और कैसे कर सकते हैं, इसकी इन्वेंशन या एक रटाने भर तक नहीं है, बल्कि उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जाकर के आज मैं बच्चों के सामने लाता हूँ और मैं देखता हूँ इसके परिणाम भी बेहतर मिलते हैं। बच्चे जब इस तरह से चीज़ों को देखते हैं, अपने से जुड़ी हुई चीज़ों को देखते हैं, तो बेहतर रहते हैं। तो इस पूरे 12-13 साल में मैं आज अगर जो देखूँ तो मैं बहुत अंतर पाता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि शायद 10 साल में कहीं इससे और बेहतर सोच रहा हूँ मैं, ऐसा मुझे लगता है।